आज 29 जून 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 29 जून 2022 एंड इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। चारों तरफ इस समय निराशा के बादल दिखाई देते हैं। बहुत कम ऐसी आत्माएं हैं जिनके कर्म श्रेष्ठ है और अपनी अवस्था को एकरस खुशहाल रखने में सफल हो रहे हैं। ये केवल बाबा के बच्चों की बात नहीं, लौकिक दुनिया में भी ऐसी आत्माएं हैं, खास करके जो पीछे आने वाली आत्माएं हैं, जो प्यूरिटी के कारण अपनी अवस्था को अच्छी रखने में सक्षम हो रही है। ऐसे में बहुत भाई बहनों की रिक्वेस्ट थी कि आप कुछ ऐसे विचार हमको भेजो, इसलिए कल एक वीडियो बनाया था निराशा के ऊपर संपूर्ण विजय। तो हमने देखा कि चलते चलते ऐसे लगता है कि बाहर वाली दुनिया में जो आत्माएं हैं वो तो हम समझ सकते हैं, बेचारे निधन के हैं, जिनका धनी धोरी कोई नहीं है, वो तो निराशा में आ ही जाते हैं क्योंकि बादल ही वैसे हैं। लेकिन बाबा के कुछ बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। मल्टीपल रीजंस है, बहुत सारे उसके कारण हैं, अपने कर्म भी है, लेकिन साथ में ही धैर्यता की कमी है। तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं लेकिन जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलता है तो भी निराश हो जाते हैं। इसलिए कुछ विचार भेजे हैं। ऐसे तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन आजकल लोग ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए 5-6 मिनट का वीडियो भेजा है। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। ये बहुत सिंपल है कि अगर हम कुछ विचारों को बार बार रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, स्वीकार करता है हमारा अंतर्मन, तो हमारी दृष्टिवृत्ति में परिवर्तन आता है, दृष्टिकोण बदल जाता है जीवन की तरफ देखने का, जीवन की परिस्थितियों की तरफ देखने का, और निराशा में भी अपना आशाएं बनाए रखते हैं, होप्स बनाए रखते हैं और अपनी मन की अवस्था को स्टेबल स्थिर रखने में ये सहायक होते हैं। तो आपको में से किसी को नहीं मिला है वीडियो तो आप जरूर बताना, पर इसको रोज डेली सुनना पड़ेगा। और हमारे भाई ने उसको टेक्स्ट में भी टाइप करके दिया है ताकि आप उसको जब प्ले करेंगे तो उसके वर्ड्स को देख भी सकते हैं। तो देखना और सुनना, इसको हम कहते हैं ऑडिटरी एंड विजुअल इम्प्रेशन, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ये आप अगर रोज सुनेंगे तो ये आपके बिलीफ सिस्टम में जाएगा, आपकी मान्यताओं में जाएगा। बिलीफ माना मान्यता कैसे बनते, फ्रिक्वेंट रिपीटेशन ऑफ अ थॉट। जो विचार को हम बार बार दोहराते हैं वो हमारे बिलीफ में जाता है और बिलीफ या मान्यता अपने आप काम करता है, अपने आप आपके कर्म उस अनुसार होने लगेंगे जैसे आपकी मान्यता होंगे। इनफैक्ट बिलीफ क्रिएट्स द डेस्टिनी। आप जैसे मानते हैं चलते हैं वैसे आपकी डेस्टिनी या नसीब बनता है। तो ये बहुत पावरफुल टूल है सबकॉन्शियस माइंड में विचारों का रोपण करना। तो आप इसका जरूर अभ्यास करके हमको फीडबैक बताएं। आज की साकार मुरली के ऊपर आते हैं तो बाबा ने फिर से जोड़ियाँ बनाई हैं, अलग अलग जोड़ी है। शुरुआत में ही बाबा ने सौतेले और मातेले बच्चे या सपूत और कपूत बच्चे की जोड़ी के बारे में बताया, जिसके साथ ही फिर पवित्रता और अपवित्रता की जोड़ी है ना, जिसको बाबा ने फिर कंसपुरी और कृष्णपुरी या राम राज्य और रावण राज्य ऐसी जोड़ी आई हुई है। फिर बाबा ने मुरली की शुरुआत में ही नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि या नया युग और पुराना युग,
ये जोड़ी बताई है। पूरी मुरली का फ्लो धन के और निधन के, जिसको अनाथ और सनाथ कहते हैं। अनाथ माना जिनके मात पिता नहीं होते, तो बेचारे झगड़ा करते हैं, और सनाथ है जिनके मात पिता होते हैं। तो ये जोड़ियाँ आई हुई है। फिर वरदान में भी याद और सेवा की जोड़ी है, जिसको डबल लॉक बाबा ने कहा, और स्लोगन में स्नेह और शक्ति की जोड़ी। तो आज की पूरी मुरली में और भी एक जोड़ी आई है, ईश्वरीय कुल और आसुरी कुल, है ना। बाबा ने कुल का उदाहरण दिया हुआ है, आस्तिक और नास्तिक की जोड़ी है। तो ऐसे बहुत सारी जोड़ियाँ आई हुई है। जोड़ी में या कॉन्ट्रास्ट से समझना बहुत सरल होता है और निर्णय लेना बहुत सहज होता है। तो हम एक-एक बात को हम देखेंगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति की जोड़ी को भी देखेंगे। तो पूरा फ्लो अगर मुरली का देखे, तो बाबा फिर से जो कल मुरली में बताया था, वही बात फिर से चला बता रहे हैं कि श्रीमत पर चलकर पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। निश्चय और संशय की जोड़ी भी आई हुई है। तो क्यों कुछ आत्माओं को पवित्रता एकदम नेचुरल लगती है और कुछ आत्माओं को पवित्रता धारण करने में मेहनत लगती है? जैसे आप देखो, मम्मा है, गुलजार दादी है, बड़ी दादी है, इन्होंने पवित्रता को नेचुरली एक्सेप्ट कर लिया। कोई मेहनत नहीं है, आदि से अंत तक नेचुरली स्वीकार कर लिया, तो ये तो है ही हमारा स्वधर्म। तो कुछ बाबा के बच्चों को पवित्रता एकदम नेचुरल है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, और कुछ बाबा के बच्चों को शुरुआत से ही पवित्रता की धारणा में मेहनत है। तो ये फर्क क्यों है? तो ये फर्क बहुत समय का अभ्यास, हर एक का पार्ट अलग है, तुलना नहीं करनी चाहिए किसी के साथ में, लेकिन जो रिजल्ट है वो आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे बाबा भी मुरली में कहता है ना, कई लोग कहते हैं, पूछते हैं कि अगर पवित्र सभी बनेंगे तो दुनिया कैसी चलेगी? थोड़ी तो अपवित्रता चाहिए, थोड़ी माया तो चाहिए, ऐसे दुनिया में लोग मानते हैं। बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर चर्चा हुई। एक डॉक्टर ने कहा, वो तो नेचुरल है अपवित्रता, अपने आप वो अपवित्रता चली जाएगी। कुछ कहते हैं कि इंसान ने, सॉरी, भगवान ने ही ये सब दिया हुआ है, तो भगवान ने दिया ही क्यों अगर इसको यूज ही नहीं करना है कर्मेंद्रियों को? तो ऐसे डिफरेंट बिलीव्स है, बेचारे जानते नहीं है कि ऐसा कोई समय था जब ये नहीं था। कल का ही आपको अनुभव सुनाते हैं। कल हम एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर से मिलने गए थे, नाम नहीं बता सकते, एक राज्य में। तो उसके हाथ में पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो कहता है कि देखो, ऐसा कभी नहीं हुआ, राजाओं को भी पुलिस की जरूरत पड़ी, आर्मी की जरूरत पड़ी। अभी उसको हमने समझाया कि ऐसा एक समय था जहाँ पुलिस नहीं था या डॉक्टर्स नहीं होंगे, वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, कृष्ण के साथ भी कंस था। तो ये जो हिस्ट्री है या जो भी हुआ है, उसके वजह से बेचारे कितने फंसे हुए हैं। तो बहुत रहम आ रहा था उस आत्मा के ऊपर, क्योंकि इस समय इतना कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है स्पिरिचुअलिटी में। उनकी बातें हम सुन रहे थे, क्योंकि बड़ी पोस्ट पर है, तो उनकी बातों को ही हम सुन रहे थे कि बेचारे की बिलीफ सिस्टम क्या है। तो कहता है, हिंदू धर्म कितना अच्छा है कि मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, भगवान को मानते भी है, नहीं भी मानते हैं। तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज वो पेश कर रहे थे, और बहुत पढ़ी लिखी आत्मा है, ऐसे नहीं कि अज्ञानी है, पर ये सब बिलीव्स इस समय बेचारे मनुष्यों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। उस समय महसूस हो रहा था कि बाबा के बच्चे कितने भाग्यवान हैं
कि भले पढ़े लिखे नहीं हैं, भले शास्त्रों का नॉलेज नहीं है, भले लौकिक पढ़ाई का ज्ञान नहीं है सभी को, लेकिन दिल से मेरा बाबा कहते हैं और खुद को आत्मा समझते हैं। इसीलिए बाबा जो कहता है मुरली में कि मेरा आखिरी बच्चे से भी प्यार है, आखिरी बच्चा, क्योंकि वो भी दिल से कहता है मेरा बाबा। तो उस बात का उस समय रियलाइजेशन हो रहा था कि ये आत्मा इतनी पढ़ी है, शास्त्र पढ़ी है, लौकिक पढ़ाई में भी पढ़ी है, और सब कुछ जानते हुए भी बेचारा वंचित है आत्मा और परमात्मा से। तो जो आज के मुरली में आया है एग्जैक्टली वही हमने किया, हमने कोई डिबेट नहीं किया उनके साथ में। हालांकि वो बात ऐसी कर रहा था कि हम कुछ बोले, लेकिन हम बहुत शांति से चल रहे थे। तो बाबा ने आज मुरली में यही कहा कि किसी से डिबेट नहीं करना है, क्योंकि बड़ी पोस्ट पर है तो हम बहुत ध्यान से चलते हैं, क्योंकि किसी बात का वो इम्प्रेशन लेके जा सकते हैं ना, उनके मन में कौन से संकल्प चलेंगे हम नहीं जानते हैं। तो हम मनसा से उनको दृष्टि दे रहे थे, शक्ति दे रहे थे, साथ में उनकी बातें भी सुन रहे थे। तो ये जो बाबा कहता है कि बच्चे मातेले बनो, सौतेले नहीं बनो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नहीं तो हम भस्मासुर बन जाएंगे। इट्स वेरी क्लियर, अभी ज्ञान हमारे सामने इतना स्पष्ट है जो शुरू में नहीं था। बाबा ने कहा था धीरे धीरे मैं ज्ञान की गहराई आपको बताते जाऊंगा, शुरू में ये सब बातें नहीं थी। अभी बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चे या तो मन्मथ है या श्रीमत है, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो भस्मासुर बन जाएंगे, माना अपने को ही खत्म कर देंगे। तो जो बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं, राखी बांधते पवित्रता की, और फिर उस प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं, बाबा ने उनको कहा सौतेले बच्चे, है तो बच्चे लेकिन सौतेले बच्चे। ऐसे भी बाबा के बच्चे थे जो खून से लिख के देते थे। आप सोचो, खून से जिन्होंने अपने हाथ के ऊपर लिखा था मेरा बाबा, या खून से लेटर लिख के दिया था कि मैं आजीवन पवित्र रहूंगा, उन्होंने भी बाबा का हाथ छोड़ दिया। इसीलिए बाबा मुरली में कहता रहता है कि ये माया बड़ी दुष्तर है, क्योंकि अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे जो 2 से 5 योग करते थे, बड़ी सेवाओं के निमित्त बने थे, आज उन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया है। तो ये सब क्यों हुआ? तो इसका जवाब जो बाबा ने दिया हुआ है वो आज की वरदान में दिया है कि याद और सेवा का डबल लॉक, डबल लॉक नहीं लगाते हैं। हमने पहले भी देखा, आजकल चोर जो है बहुत होशियार हो गए हैं, वो डबल लॉक को भी तोड़ देते हैं। तो याद और सेवा का डबल लॉक अगर लगाएंगे तभी हम निर्विघ्न और फीलिंग प्रूफ रहेंगे। तो चिंतन करना चाहिए कि माया कौन से दरवाजे से आती है। माया के 2 ही दरवाजे हैं, मैंपन और मेरापन। तो मैंपन और मेरापन, ये जो माया का बीज है, इसी को ही लॉक कर देना है। कोई भी कमजोरी अगर सूक्ष्म में भी है, बाबा ने यहां तक कहा है कि अंश भी नहीं होना चाहिए, अगर अंश है तो वंश बन जाएगा। इसलिए छोटी से छोटी बात भी अपने अंदर कमजोरी की रखनी नहीं है, क्योंकि जहां कमजोरी दिखी वहां से ही एंटर करेगी माया, वहीं से एंट्री कर लेगी। और फिर एक बार माया घुस गई तो फिर वही युद्ध चलता रहेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर होश में आ जाएंगे। आज मम्मा की जो वाणी है उसमें मम्मा का भी भाव यही है कहने का, कि मम्मा ने कारण बताया है कि माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं, माना स्मृति की स्टेज से हम विस्मृति की स्टेज में आते हैं। पूरा शास्त्रों का सार यही है कि दुख का कारण वो अविद्या कहते हैं, अविद्या या विस्मृति, भूल जाना कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मेरा और मैं, ये 2 शब्दों को मैं यथार्थ रूप में याद करती हूँ। अगर यथार्थ है,
यथार्थ का भी डेफिनेशन बाबा ने किया, यथार्थ माना जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। जहां स्वार्थ है वहां दुख ऑटोमेटिकली आना ही है। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, सूक्ष्म में भी स्वार्थ है तो दुख आना ही है। एग्जाम्पल आपको देंगे, अभी क्या होता है कि बाबा के बच्चे मुरली सुन के या कोई लौकिक की किताबें पढ़ के, या लौकिक का ज्ञान आजकल यूट्यूब के ऊपर इतना ज्ञान जाता है, कितने सारे चैनल्स हैं, बहुत कुछ है ना, ओपन सोर्स है, तो हर एक को हर एक जगह से कई सारी बातें मिलती है। तो ये सब बातें कुछ लोग होशियार रहते हैं, इकट्ठा करके मेमोरी अच्छी है तो सबको सुनाते हैं, धीरे धीरे फेमस होने लगते हैं, क्लासेस करने लगते हैं। अभी बाबा की श्रीमत क्या है कि बच्चे महिमा स्वीकार नहीं करना, नहीं तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये बाबा की श्रीमत है, और बाबा ने ये महसूस किया था पहले ही, 69 में ही बाबा ने मुरलियों में कहा था कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप फेमस होते जाएंगे, फिर अपमान की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अभी कई बच्चे बाहर से तो दिखाते हैं कि हम महिमा स्वीकार नहीं करते, लेकिन अंदर से जिसे वो स्वमान समझते हैं कि मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी तो कुछ तो आता है, मैं भी तो ये सेवा कर रही हूँ, तो मुझे इतना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो बाहर से दिखाते हैं कि हम महिमा स्वीकार नहीं करते, लेकिन अंदर से तो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रूफ क्या है कि किसी ने आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया या कुछ सम्मानजनक शब्द नहीं उच्चारण किए तो आपको अंदर से अपमान की फीलिंग आते है। अगर फीलिंग भी आ गई तो बाबा कहते फीलिंग माना फेल, निगेटिव फीलिंग माना आप फेल हो गए। तो ऐसे फीलिंग से प्रूफ कौन रहेगा जो निस्वार्थ होगा। एक्चुअली बाबा ने कहा कि निष्काम कोई हो नहीं सकता है, लेकिन निष्काम कहने का भावार्थ यह है, निस्वार्थ कहने का भावार्थ यह है कि आप जो कोई भी कर्म करते हो, कोई भी कर्म करो, मनसा वाचा कर्मणा, तो उसके बाद एक छोटी सी अपेक्षा रहती है। किचन में जो भोजन बनाते हैं उनकी भी अपेक्षा रहती है, कोई हमको कुछ कहे कि खाना अच्छा बना है, किसी ने कर्मणा बहुत अच्छी सेवा की तो उसकी भी अपेक्षा रहती है, कोई हमको कुछ कहे कि वाह तुमने बहुत अच्छी सेवा की, किसी ने भाषण किया तो उसको अपेक्षा रहती है कि कोई हमको कहे कि तुम्हारा भाषण अच्छा रहा। जो भी सेवा होती है तो उसके साथ अगर ये अपेक्षाएं है कि लोग मुझे कहे कि तुम अच्छे हो, तब आप समझो कि आप फंसने वाले हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जो अपेक्षाएं हैं यही दुख का कारण है। रिलेशनशिप्स में एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते, कुछ लोग तो यहां तक बोलते हैं अपेक्षा तो रखनी ही पड़ती है, नहीं तो कैसे चलेगा। तो अभी इनको क्या कहें हम कि जब भी आप कोई अपेक्षा रखेंगे, जब वो अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो अपेक्षा भंग होता है, उसका दुख होता है। और फिर कहते हैं बाबा ने ये मुरली में कहा है कि मैंने इतनी सेवा की और किसी ने मुझे पानी का ग्लास भी नहीं पूछा। तो अपेक्षा रहती है ना कि मैंने इतनी सेवा की तो मेरे तरफ किसी का ध्यान तो हो। साइकोलॉजी के हिसाब से इसको कहते हैं नीड ऑफ द अप्रूवल, ये ईगो नीड है। ईगो या अहंकार की तीन जरूरतें होती हैं। एक तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है ईगो, दूसरा वो जज करने की कोशिश करता है, और तीसरा कॉन्स्टेंटली जजमेंटल एटीट्यूड रहता है, और तीसरा है वो अप्रूवल की तलाश में रहता है। ये तीन ईगो के बहुत बड़े नीड्स है, और ईगो इसके ऊपर सर्वाइव करता है। इसको बहुत सूक्ष्मता से हमको समझना चाहिए। क्या मैं हमेशा दूसरों के अप्रिसिएशन की तलाश करते रहता हूँ? ये भी एक प्रकार की डिपेंडेंसी है। आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई आपको अच्छा कहे तब आप अच्छा महसूस करें। ये बहुत खतरनाक स्टेज है, क्योंकि किसी ने आपको अच्छा कहा तभी आपको अच्छा लगता है, तो फिर किसी ने बुरा कहा तो बुरा भी लगेगा। तो ये डिपेंडेंसी छोड़ देनी है, अप्रूवल नीड। दूसरा, क्या
ये बहुत लोगों में अनजानेपन में है, होता रहता है कि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कंट्रोल खुद को करना है। एक है एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक, जिनको सबको नियम बताने जरूर है, नियम बताने हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि निमित्त आत्मा भी लॉ हाथ में नहीं उठा सकते, वो लॉ को रिवाइज कर सकती है। तो बड़े प्यार से हमको नियम बताने हैं कि यज्ञ के ये नियम है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो नियम बताना अलग है, कंट्रोल करने की कोशिश करना अलग है। कंट्रोल खुद को करना है, अपने मन विचार और भावनाएं और कर्मों को। पर ये कंट्रोलिंग नेचर होता है, ये भी साइकोलॉजी में कहा गया है कि इट इज ईगो नीड्स, ये ईगो इसके ऊपर सरवाइव करता है दूसरों को कंट्रोल करके। और तीसरा जो है वो है जज करते रहना, जजमेंटल एटीट्यूड। अभी परखना शक्ति अलग है और जजमेंटल एटीट्यूड अलग है, ये दोनों अलग है। कई बार अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भाई बहने भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते जज तो करना पड़ेगा। जैसे एक आत्मा ने बाबा को पूछा कि अगर कोई गलती करता है तो उसको गलत तो समझेंगे ना, तो बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अगर कोई गलती करता है और आपने परख लिया कि ये गलती है हुई है इस आत्मा से, तो ये तो बुद्धि ने आपको राइट जजमेंट दिया, लेकिन उस गलती को उस रूप में अपने दिल के अंदर नहीं समाना चाहिए। वो अगर निगेटिविटी के रूप में अपने दिल में समा ली, तो आपके चार्ट के ऊपर दाग लग जाएगा और वो बात आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। उस रूप में नहीं समाना चाहिए, उसको रहम भाव से देखना चाहिए। बेचारा पुरुषार्थी है, ठीक हो जाएगा, बाबा इसको शक्ति देना। निगेटिविटी के रूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी कचरा है, कचरे को अपने दिल में नहीं रखना। कई लोग क्या करते हैं, निगेटिविटी को देखकर अपने चित्त में रखकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहते हैं। तो चित्त मैला किसका हुआ, जिसने अपने चित्त के ऊपर ये निगेटिविटी की बात रखी। इसलिए आपने अगर हिस्ट्री सुनी है तो मम्मा सबकी कचहरी करती थी कि आज दिन भर में किसी की निगेटिविटी देखी सुनी और फिर उसके ऊपर उसको चित्त के ऊपर रखा या वर्णन किया तो डबल पाप। तो देखो कितना टेंशन रहा होगा इन आत्माओं का, छोटा परिवार था तो ये सब कर सकते थे। अभी हमको खुद इसके ऊपर अटेंशन रखना है कि किसी भी व्यक्ति की या परिस्थिति की निगेटिविटी अपने चित्त में नहीं रखनी है, क्योंकि चित्त मैला हो जाएगा, निर्मल अवस्था से आप नीचे आ जाएंगे और फिर उड़ नहीं पाएंगे। बाबा ने इसी बात को अलग तरीके से कहा है, बहुत गहरी बात है, इसके ऊपर आप चिंतन करना। अगर एक व्यक्ति से भी, किसी भी एक व्यक्ति से आपको घृणा है, तो आपका योग लग नहीं सकता है। आप सोचो कितना बड़ा नुकसान हो गया, उस व्यक्ति ने गलती किया और मैंने उसको चित्त में रखा, तो नुकसान मेरा हो गया ना। तो गलती कोई और करे और मैं अपना नुकसान करो, ये तो समझदारी नहीं हुई। तो चेक करना चाहिए कि मैं ईगो मोड में रहता हूँ, अभिमान के अहंकार के मोड में, ये तीन बातें करते रहते, कंट्रोलिंग नेचर, जजिंग नेचर एंड अप्रूवल की नीड। थोड़े अंग्रेजी शब्द है, कंट्रोल करने की कोशिश करना, दूसरों को सर्टिफिकेट देते रहना, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है बुरा है। मुझे एक बात याद आ रही है, लौकिक में जब हम कॉलेज में थे तो एक भाई, हम ग्रुप में बैठे थे, एक भाई दूसरे के बारे में कहता था वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो तुरंत दूसरे डॉक्टर ने कहा वो अच्छा है तो बुरा कौन है फिर। तो जब हम किसी को अच्छा कहते हैं तो उसके कॉन्ट्रास्ट में कोई बुरा होता ही है। तो यहाँ पर परमात्मा बाप समान हमको बनना चाहिए कि बाबा को पता है ये आत्मा वर्तमान समय हलचल में है, लेकिन बाबा उस रूप में नहीं देखता है, बाबा हर बच्चे को उसकी संपूर्ण अवस्था में देखता है। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो हर आत्मा को उसके आदि अनादि संपूर्ण पवित्र अवस्था में देखना है। तो इसको कहते यथार्थ याद और सेवा। जब ये एटीट्यूड रहेगा तभी हम शक्तिशाली, निर्विघ्न और फीलिंग प्रूफ रह पाएंगे, अदरवाइज इट इज वेरी टफ। और मैं देख रहा हूँ इन छोटी छोटी बातों में ही
बहुत सारे बाबा के बच्चे अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते। मैं वेस्ट ही कहूंगा, ये व्यर्थ ही है। और बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अंतिम पेपर व्यर्थ की समाप्ति है। व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा रहना, ये मासी का घर नहीं है। इसके लिए बहुत अटेंशन की जरूरत है। और ऐसे बाबा के बच्चे जो व्यर्थ से अपने आप को फ्री रखते, वो सदा समर्थ और शक्तिशाली रहते हैं। उनके लिए विकारी वृत्तियों को छोड़ना कठिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण पवित्रता का हथियाला बांधा है। वे स्वयं ज्ञान अमृत पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं, और उनकी खुशबू छिप नहीं सकते। आप गुलाब को कितना भी छिपाने की कोशिश करें, वो अपनी खुशबू फैलाएगा जरूर। ऐसे ही ऐसे बाबा के बच्चे जो धारणा मूर्त है, उनके ज्ञान की खुशबू अपने आप चारों तरफ फैलती रहती है, और उनके अंदर एक बैलेंस दिखाई देता है। बहुत अच्छा बैलेंस उनके अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं लव एंड लॉ का बैलेंस, या बाबा ने आज जो कहा है स्लोगन में, स्नेह और शक्ति का बैलेंस। आप सबने देखा होगा कि नवरात्रियों में जो शिव शक्तियां दिखाई है, दुर्गा है, अभी उसकी शेर पर सवारी है। तो शेर पर सवारी माना शक्ति स्वरूप, लेकिन आंखों में देखो तो स्नेह है। तो आंखों में स्नेह है लेकिन शेर के ऊपर सवारी है, ये है स्नेह और शक्ति का बैलेंस। तो शेर किसका प्रतीक है? तो माया को अधीन बनाया है ना। गणेश को भी चूहा दिखाते, तो चूहे को चूहा माना क्या, जो काटता रहता है, तो वो माया को अधीन किया है, यहाँ शेर को अधीन किया है। या फिर वो विष्णु का शेष शैया पर चित्र दिखाते हैं, तो वो सांप है, वो सांप भी क्या है, विकारों के प्रतीक है। तो सांप भी छत्र छाया बन गए हैं। ये है माया को अधीन करने वाले आत्माएं, इनका यादगार है। तो ये शक्ति स्वरूप है। तो आंखों में स्नेह और शक्ति स्वरूप आत्माएं, ऐसी आत्माएं सफल रहते हैं हर कर्म में, बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। खास करके जो निमित्त आत्माएं है, वैसे बाबा का हर बच्चा निमित्त है, घर के लिए निमित्त है, ड्यूटी के लिए निमित्त है, सेंटर के लिए निमित्त है, या कोई सेवा के लिए निमित्त है। हम सबको इस स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए अगर हम चलेंगे, तो मुझे लगता है कि सफलता अनुभव करना बहुत बहुत सहज है, बिल्कुल कठिन नहीं है। तो चेक करना चाहिए आज दिन भर पवित्रता के ऊपर। हमने कल भी बहुत डिटेल में गए हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आज एक कुछ रास बाबा ने खोले हैं, जैसे क्रिश्चियन धर्म के आत्माएं कहते हैं गॉड फादर ऑफ रेवन है ना, या सातवें आसमान में रहने वाला खुदा कहते हैं। तो सातवें आसमान में ठीक है, परम धाम में रहने वाला, लेकिन गॉड फादर ऑफ हेवन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा परम धाम में रहता है। भगवत गीता में भी हमने श्लोक देखा, तद्धामम परमम मम, माना परम धाम मेरा पवित्र धाम है, ऐसे भगवत गीता कहती है। तो बाबा ने आज यही बात कही है भगवत गीता के श्लोक की, कि मैं हेवन में नहीं रहता हूँ, मैं स्वर्ग में नहीं रहता हूँ, मेरा धाम परम धाम है। तो इसको करेक्ट करना है कि भगवान परम धाम में रहता है, ना कि हेवन। हेवन का रचयिता वह है। इस तरह से हम यथार्थ अर्थ ले सकते हैं। और जो सौतेले बच्चे हैं, बेचारे आपस में झगड़ा करते रहते हैं, मारा मारी करते रहते हैं, क्योंकि कांटों का जंगल है। और जिनके माँ बाप नहीं होते, उन बच्चों की यही हालत होती है। हमने देखा है कि मुंबई में एक ऐसा होम है, शेल्टर होम, जहाँ पर जिनके कोई नहीं है उनको वहाँ पर रखा जाता है। उन बच्चों में इतनी हिंसा देखी है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, गुस्सा रहता है उनके अंदर, बहुत सारे क्राइम भी करते हैं। तो ये बच्चे ऐसे क्यों बने हैं? क्योंकि उनको बचपन में प्यार नहीं मिला है, माँ बाप का प्यार नहीं मिला है। तो उन्होंने सीखा है कि जीना है तो छीन के ही जीना है। तो ऐसे बच्चे झगड़ा करते हैं, तो इनका धनी धोरी कोई नहीं है। तो हमारा तो धनी धोरी है, हमको प्यार देने वाला शिव बाबा है। और दो नीड्स इसी के साथ, जो सिंपल हिंदी भाषा में हम कहते हैं कि सबको प्यार चाहिए और सम्मान चाहिए। अभी कुछ लोग इसको मैनिपुलेशन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, प्यार और सम्मान दे के लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं।
इसको मैनिपुलेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो कई लोग इसको भी बहुत सूक्ष्म रूप में इसमें इस्तेमाल करते हैं कि इस भाई को या बहन को प्यार और सम्मान दो तो ये सहयोगी बनेगा। अभी इस रूप से नहीं, हमारा नेचुरल स्वभाव ही होना चाहिए, कोई भी हो भले वो सेवा में सहयोगी बने नहीं बने, लेकिन हमारा स्वभाव ही हो कि सबको प्यार और सम्मान देना मर्यादा में रहते हुए, जिससे बाबा देखता है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य है बाप समान बनना। इसलिए बाप समान बनना कठिन लगता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों में परफेक्शन आना बहुत जरूरी है। तो हम बाप समान बनेंगे, बाप के मातेले बच्चे बनेंगे, और डिबेट नहीं करेंगे किसी से, बाप का परिचय सबको देंगे, और भगवान के खुशबूदार बगीचे के खुशबूदार फूल बनकर चारों तरफ दिव्य गुणों की खुशबू फैलाएंगे, विकारी वृत्तियों को चेंज करेंगे और निरंतर माया प्रूफ फीलिंग प्रूफ निर्विघ्न रहेंगे, क्योंकि याद और सेवा का डबल लॉक लगाएंगे और हमेशा बैलेंस में रहेंगे। लव एंड लॉस, स्नेह और शक्ति का बैलेंस, तो हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज 29 जून 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में महसूस करेंगे, इस देह में मैं एक दिव्य प्रकाश हूँ, शांति का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, इस शरीर के मालिक हूँ मैं। यह शरीर विनाशी है परंतु मैं अविनाशी हूँ, आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ। मैंने परमात्मा को पहचान लिया है कि वो मेरा सच्चा सच्चा पिता है, मात पिता है, और मैं उसका सपूत बच्चा हूँ। मेरे मात पिता परम धाम निवासी है, परम धाम जो 5 तत्वों से परे है, वो मेरा सच्चा सच्चा घर है। मैं अपने घर को देख रहा हूँ तीसरे नेत्र के द्वारा। महसूस करेंगे कि मैं आत्मा परम धाम में, शांति धाम में, अपने माता पिता शिव बाबा के साथ हूँ। शिव बाबा पवित्रता का सागर है, उससे पवित्रता की किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, और मैं भी बाप समान परम पवित्र बनते जा रहा हूं। मैंने महसूस किया कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता में ही सच्चा सुख है, सच्ची शांति है। मैं आत्मा बाबा के साथ की वजह से स्वच्छ और पवित्र बनते जा रही हूँ। मुझ आत्मा के ऊपर के दाग साफ होते जा रहे, साफ होते जा रहे, मैं शांत होते जा रहे हूँ, शांत शक्तिशाली। बाबा से सर्व शक्तियां, ज्ञान और गुण धारण कर रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ, निरंतर प्रवाह मेरे अंदर शिव बाबा से आ रहा है और भर रहा है, आ रहा है, भर रहा है, मैं भरपूर हो चुकी हूँ। बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त करके मैं वापस इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ, भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। मेरे द्वारा ज्ञान गुण और शक्तियों की किरणें खुशबू चारों तरफ फैल रही है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बाबा ने सब कुछ दे दिया। मैं फीलिंग से प्रूफ
निर्विघ्न आत्मा हूँ, क्योंकि अंदर से मैं भरपूर हूँ। हमेशा बैलेंस में रहने वाले, स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ओम शांति, शांति, शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है और मुझे कह रहा है कि बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। तुमने कल्प कल्प संपूर्ण पवित्रता को धारण कर, पवित्रता की राखी बांधकर पूरे विश्व को पवित्र बनाने में सहयोग दिया है। तुमने अपने देह अभिमान की पुरानी विकारी वृत्तियों को चेंज किया है। तुम श्रीमत पर चलकर सपूत बने हो और तुमने ज्ञान अमृत पीकर औरों को भी पिलाया है। तुमने स्वयं को निरंतर याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न और माया प्रूफ, फीलिंग प्रूफ बनाया है। तुम हमेशा बैलेंस में चलने वाले, स्नेह और शक्ति की बैलेंस रखने वाले सफलता मूर्त आत्मा हो। मुझे तुम पर नाज है। जाओ विश्व की सेवा करो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। बाबा से दृष्टि लेते हुए, शक्तियां लेते हुए मैं आत्मा अत्यंत हर्षित हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।